बैलेंस वहाँ पे भी बिहेवियर ना कारण जाने के लिए उनको बिहेवियर एनालाइज करना है. यहाँ भी बैलेंस, यह इज अ फाइन लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की हमने कि पॉजिटिव अगर होता है तो वो कुछ प्रोडक्टिव करने में देता है. तो पॉजिटिव स्ट्रेस तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिविटी की ओर जा रहा है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा. हाउ मच कैन यू कोप विद बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव, कितना आप कोप अप कर पाते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो. एक्सपर्ट को पहले आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स से शुरुआत हो सकती है, और अगर नहीं है तो फिर हम जैसे प्रोफेशनल्स. सी कंट्रोल, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योरसेल्फ कंपेयर्ड टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. आप अपने एंड से क्या कर सकते हो उसे कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव स्ट्रेस. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर बिहेवियर एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल. सबसे ज्यादा थिंकिंग पैटर्न में गड़बड़ी होती है, हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमको लाइफ में पॉजिटिव चीजें दिखती नहीं, और जब पॉजिटिव चीजें नहीं दिखती हैं वहीं से स्ट्रेस और ज्यादा वर्सन हो जाता है. चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर लाइफ स्टाइल. चेंज योर थिंकिंग दो तरह से आप चेंज कर सकते हो, तो रीफ्रेमिंग और पॉजिटिव थिंकिंग. जैसे आपने एक फ्रेम बना लिया कि मेरे से कुछ अच्छा नहीं हो सकता और ये हर बार ऐसा ही होता है, इसके लिए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको दूसरी तरह से भी आप रीफ्रेम कर सकते हो. जैसे रीफ्रेमिंग इज अ टेक्निक टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स इन ऑर्डर टू फील बेटर अबाउट देम. देयर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट द सेम सिचुएशंस ऑफ थिंकर, सो पिक द वन यू लाइक. रीफ्रेमिंग डज नॉट चेंज द एक्सटर्नल रियलिटी. एक्सटर्नल रियलिटी जो है मतलब जो एडवर्स सिचुएशन है उसको चेंज नहीं कर सकता, बट हेल्प यू व्यू थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट एंड लेस स्ट्रेसफुल. ठीक है यार ऐसा हुआ, लेकिन इसके लिए शायद ये हो सकता है, या ऐसा हुआ अगली बार जरूरी नहीं है कि हमारे साथ अगली बार भी ऐसी ही घटना. उसको रीफ्रेम कर सकते, दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस कर सकते. सारी चीज़ें हम लोग थेरेपी में भी सिखाते हैं, क्योंकि टेक्निक सर ने कहा था रिसेंटली, सर आपको कैसे हमको रिलीव करना उस पर फोकस करेंगे, लेकिन जब हम लोग आए थे तो सर ने कहा था मैडम थोड़ा टेक्निक डिस्कस करेंगे. पॉजिटिव थिंकिंग, फॉरगेट पावरलेसनेस कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको अपने दिमाग से बिल्कुल निकालना. स्ट्रेस लीव्स अस अनवल्नरेबल टू नेगेटिव सजेशंस, सो फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. आपके पास नेगेटिव स्ट्रेंथ हर, हमने पहले ही कहा था, हर बंदे के पास, हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास, हर की कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये हमारा लिमिटेशन है. एडवर्स सिचुएशन में भी हमारी स्ट्रेंथ जो है कहीं जाती नहीं है, बस थोड़ी सी जो परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ हमें इतनी हावी हो जाती हैं कि वो हमें कमज़ोर लग जाती है. तो उन्हीं चीज़ों को हमको फिर से फोकस करना है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, लर्न फ्रॉम द स्ट्रेस, यू आर अंडर किस वजह से है उसको आप देखिए, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्या अगर ऑप्शन हो सकते हैं, अगर ये मेरे हाथ से गया तो मैं दूसरा और क्या कर सकती हूँ इसको ओवरकम करने के लिए. सीक आउट द पॉजिटिव और मेक अ चेंज. पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे और क्या चेंज ला सकते हैं इस पर हम विचार करेंगे. चेंज योर बिहेवियर, पहला हमने बताया था थिंकिंग, दूसरा चेंज योर बिहेवियर. बी असर्टिव, सभी जानते होंगे असर्टिव, असर्टिवनेस मींस असर्टिवनेस. किसे आप किसे समझते हो, बस कोई थोड़ी स्लाइड से असर्टिवनेस. मतलब अगर किसी चीज को मना तो कर रहे हैं, अब कोई दोस्त आया चलो यार एक पेन लगा लेते, क्योंकि ये एग्जांपल वहाँ पे सबसे ज्यादा फिट बैठता है, वहीं पर हो जाता है अरे यार क्या करें सर एक दिन ये लिया, दोस्त हम मना नहीं कर पाए, वहीं पे हमें असर्टिवनेस ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है. जैसे भी हंसे क्योंकि एक का भी पार्ट है. बी असर्टिव, ले आया अगर मुझे नहीं पीना है, क्योंकि अंदर अंदर तो कई बार मेरा भी मन नहीं यार एक पैरा लगाई तो थोड़ा ये बहुत शांति सुकून दे रही, लेकिन अंदर में है कि अगर थोड़ा सा ये कन्विंस एक
और ये मेरे लिए हार्मफुल है या मैं इसको करूँगा या इस काम को करूँगा या मैं इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो मुझे इससे परेशानी होगी। एक होता है निगेटिव कि वहाँ आप नहीं आप कह रहे मैं चले जाओ, मतलब गुस्सा करने लगे, उससे बहसबाजी करने लगे, तो ना ही बिल्कुल पोलाइट में कि यार एग्रेसिव स्टाइल नहीं होना चाहिए, पैसिव स्टाइल नहीं होना चाहिए, ना ही उसको गुस्सा करना है और ना ही कि पैसिव की उसको लगे कि यार एक दो बार अगर इसको कन्विंस किया तो ये मान जाएगा। असर्टिवनेस मतलब अपनी बात को रखना आना चाहिए जिससे आपके ऊपर और आपके मतलब ओवर कह लो निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, हम अपनी बात को कह रहे हैं तो बिल्कुल दृढ़ है कि मेरा यही डिसीजन फॉर्म डिसीजन है कि मैं नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेने में ही हर जगह ये तो मैंने जस्ट एक मजाक के लिए एग्जाम्पल दिया होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये नशे वाले में यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको किसी को नहीं कहना, आप कहीं नहीं जाना चाहते या किसी के साथ आपको पार्टी में नहीं जाना है सीधे से भाई मैं नहीं जाऊँगी ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ठीक है, तो बी असर्टिव क्योंकि कई बार असर्टिव नहीं होने से आप काम किए जा रहे हो दूसरा लोड डाले जा रहा है, आपको ये लग रहा है देखो वो तो डायरेक्ट मना करके चला गया और मैं इस चक्कर में बार बार किस रही हूँ, तो वहाँ भी आपको असर्टिव होना पड़ेगा कि सर प्लीज़ हमारी भी कैपेसिटीज है हमारी भी लिमिटेशंस है उसको आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो एग्रेसिव स्टाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन प्रिंसिपल यानी आपका ये क्या तरीका है बात करने का, आप किससे बात कर रहे हो ये देखो, पैसिव स्टाइल रहेगा ये होता है हम जब हायर अथॉरिटी से बात करेंगे अगर हम एग्रेसिव स्टाइल में जाएंगे, जैसे मैं ही अगर अपने नोडल अधिकारी को मैम मैं ये काम नहीं करूँ तो हाई की पीछ हाई होगी या गुस्सा करूँगी तो कल के दिन वो पनिशमेंट मुझे ही बताना, तो ना ही एग्रेसिव होना चाहिए और ना ही पैसिव कि मैं आप मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैडम जानेंगे कि अच्छा ठीक है एक दो बार और कहेंगे तो ये कल ही होगी तो दूसरे का भी बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी पैसिव, बी असर्टिव। समझ में आ गया? आई होप कि कम्युनिकेट कर पाए। गेट ऑर्गेनाइज्ड, जो चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट हमने पहले बोला था उनको थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं चीज़ों को प्रायोरिटी देना, तो ऑर्गेनाइज वे में हम एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे हम रूम के वेंटिलेशन की बात करते हैं उसी तरह से हमारे इमोशनल वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है और आजकल वही वेंटिलेशन फैमिली में फ्रेंड्स में नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए अभी पिछले 10 दिन पहले एक पेशेंट आए उसको हमने कोई मेडिसिन नहीं दिया है कोई थेरेपी नहीं दी है, जस्ट उससे बात किया और आके रिपोर्ट रखी मैडम काफ़ी आराम है, मतलब 3 बार उसने फ़ोन किया तीनों बार यही है कि मैडम काफ़ी आराम और किया क्या आपने जस्ट उसकी बातें सुन ली। अगर कचरे का डिब्बा है उसको आप खाली नहीं करोगे तो क्या होगा, गंदगी और ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फेक्शन होगा, बीमारियाँ पड़ेंगी, तो उसी तरह से मन हमारा मन भी खाली होना चाहिए, भरा जा रहा है भरा जा रहा है भरा जा रहा है, आप फटने को तैयार है ये जो ब्रेन है ना ये फटने को तैयार है, तो उससे पहले वो रिसाइकल बीन क्या कहते हैं कि इसको रिफ्रेश करते रहो सिस्टम को, रिसाइकल बीन से भी डेटा हटाओ नहीं तो और डेटा उससे नया नहीं ला सकते, तो ब्रेन में जो सारा कचरा भरा हुआ है मन में जो कचरा भरा हुआ है वो उसको अगर हम बाहर नहीं करेंगे तो वो ओवर स्ट्रेस वाली कंडीशन वहाँ आ जाएगी। वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत जरूरी है, आप उसके लिए वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं बात करने के लिए, आपके बच्चे हो सकते हैं, कई बार हम बच्चों के साथ बात करके बच्चों के साथ समय बिता के अपना जो कई बार कैथार्सिस कहते हैं हम लोग फीलिंग्स वो शेयर कर सकते हैं कि बेटा ऐसा हुआ आज मम्मा का मूड ठीक नहीं है चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगे, तो ये वेंटिलेशन आप कहीं भी कर सकते हो और अगर मेडिकल्स में बाहर के लिए नहीं है तो उसके लिए मदद करना ले सकते हो। ह्यूमर लाइफ को हमेशा सीरियसली जीना ही जरूरी नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है, जैसे जो क्लास में जो एग्जाम्पल है वो उसी के लिए है बट क्योंकि वो एग्जाम्पल सटीक भी बैठते हैं और थोड़ा सा सबकी लाइफ और सबके चेहरे पर मुस्कान भी आ रही है। डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें डिस्ट्रैक्ट अपने आप को उससे दूर रखना, उन सोच से डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हो जाना, डिस्ट्रैक्शन करना बहुत जरूरी है। बी एस एड हमने पहले ही बता दिया था कि बी एस एड
पाते हैं, प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, मेक अ लिस्ट, व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए पहले, क्या करना चाहिए बाद में, क्या करना, मस्ट मतलब बहुत जरूरी है, शुड बी मतलब ये भी किया जा सकता है, वर्क करो, और एक ऑर्डर सिस्टमेटिक हमने पहले भी बात की। कट ऑफ टाइम वेस्टिंग, ठीक है, कहाँ पर हमें टाइम सेव किया जा सकता है, लर्न टू ड्रॉप अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, जो आज के बजाय कल भी किया जा सकता है, उसको अगर हम शॉर्ट लिस्टेड कर लें तो हम ओवर स्ट्रेस से बच सकते हैं। और से नो, वो वेंटिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, स्पेस को हटा देते हैं। डाइवर्सन और डिस्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, टेक टाइम आउट, थोड़ा बीच बीच में घूमने फिरने जाना जरूरी है फैमिली के संग भी, या यहाँ पे बहुत बोर हो गए हैं, छुट्टियाँ भी जरूरी हैं, सी एल ओ मेडिकल में जैसे भी चले जाना चाहिए। Get away from the thing that is हाँ, क्योंकि नहीं चाहेंगे तो फिर ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे, है ना, तो पता कर लेना चाहिए अगर कि ये इस बार पार्टी कर ले रहे हैं तो हमें हम लोग भी आपस में ये करते हैं। Get away from the things that bother you, जो आपको नुकसान पहुंचाती है, जिससे आपको परेशानी हो रही है उससे आप दूर रहें। Better solve the problem, अगर नहीं हो रहा है तो आप हेल्प ले लीजिए, खुद उसमें परेशान होने की नई जरूरत है। रिड्यूस, और अगर आप डाइवर्सन करेंगे तो ये स्ट्रेस लेवल काम करेगा। काम डाउन थोड़ी देर के लिए, जो आपके साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बाद बताएंगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। और थिंक लॉजिकली, या क्या मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मुझे तो लगता है मैं नहीं कर सकती, तो जो नहीं कर सकती वो दूसरे लोग कर सकते, ठीक है, तो उनकी मदद लेना है। और हर चीज़ में अपना, हमें पता है कि हमें अपना 100% देना, लेकिन हर चीज़ में अगर हम अपने को परफेक्शन एकदम लाने की कोशिश करेंगे तो उनसे परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ के लिए नहीं बना। चेंज योर लाइफस्टाइल, आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, और जंक फूड सभी बोलते हैं, टीवी में भी, न्यूज़ में भी, इस समय हर जगह चल रहा है, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग, एल्कोहल को नो कहना चाहिए, असर्टिवली नो कहना चाहिए, एक्सरसाइज जरूरी है, प्रॉपर स्लीप, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं लेने से पूरा बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। एक आप अच्छी स्लीप लेके अगर उठते हो तो फ्रेश रखते हो, तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ अपने लाइफ में डेली रूटीन में कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप अनुकाल बच्चों के ट्यूशन टाइम या कहीं आउटिंग के लिए, उसको मॉर्निंग वॉक के लिए, जैसे भी आपको लगता है कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी। स्लीप क्या करता है, कुछ स्ट्रेस रिड्यूसर, स्लीप जो है आपका स्ट्रेस रिड्यूसर है, डिफिकल्ट टू कोप व्हेन टायर्ड, जब हम बहुत थके होते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए वहाँ पर रेस्ट की और स्लीप की जरूरत है। वेक रिफ्रेस आफ्टर नाइट स्लीप, तो आप बिल्कुल करो ज़्यादा, जिनको कहते हैं कि हाँ अब मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, तो आप फ्रेश फील करते हैं, प्लेंटी ऑफ डे टाइम एनर्जी, अगर आप एक अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपके पास मॉर्निंग की अच्छी एनर्जी मिलती है। लेजर में आपके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ें, कोई भी आपकी हॉबी है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, कुछ भी है, जो भी है, आप उसको एक अपने रूटीन में जरूर मेंटेन करें, वो आपका स्ट्रेस कम करता है। गिव यू अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस, अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्सिंग हो रही है तो ब्रेक जरूरी है, जो हमने हमें कहा, चाहे सी एस से मिले चाहे मेडिकल से मिले, हम लोगों को भी लगता है, आप भी कह रहे हैं कि अब हमें ब्रेक चाहिए, तो प्रोवाइड आउटलेट फॉर रिलीफ क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट के बिना भी आजकल हम जो है सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, सोशल कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, सपोर्ट सिस्टम हमारा पुअर है, इस वजह से हमारे को हम डिस्ट्रेस में और डे बाई डे और ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं, तो सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। सो कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिफरेंट जो एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि आप फोर एज क्या क्या करना, एक्सेप्ट में आपको क्या करना है, टॉक विद समवन, पॉजिटिव, चलो जो हुआ, अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे क्यों किया तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, बात और बढ़ जाएगी, तो उसको माफ कर देना चाहिए। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कहाँ सही था, इस बारे में एसेस करें, ना कि दूसरों पर ब्लेम करना, तो सेल्फ टॉक करना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक को एसेस करना, ये पहला ये एक्सेप्ट, दूसरा एडेप्ट, एडजस्ट योर स्टैंडर्ड, आपकी क्या क्षमता है, प्रैक्टिस थॉट स्टॉपिंग, ये बकवास है और मार्क मुझे यही थॉट क्यों आ रहा है, उस थॉट को रोकना है, रिफ्रेम द इश्यूज,
take control of your surroundings about people who bother you, learn to say no. Alternatively, आप क्या कर सकते हैं? Respectfully ask others to change their behavior. अगर आपको लग रहा है कि परेशानी की वजह से है, उनसे प्यार से assertiveness के संग आप बात कर सकते हैं, communicate your feelings openly. आप अपनी बात को अगर अपने feelings को नहीं रख पाते तो अगला pressure और बनाता जाए. तो communicate your feelings, manage your time, better set priorities and work hard. Stress relief from laughter is not a joke. हंसना बहुत जरूरी है. जैसे पहले हमने आइडेंटिटी की बात की, वैसे ही अगर आप हंसते हैं या आप लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे एंडोर्फिन का सेक्रेशन होता है और एंडोर्फिन हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है. तो लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. और सर मैं हमारे लाफिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर बहुत अच्छे से लाफिंग एक्सरसाइज कई भी करा लेते हैं, मतलब मैं नहीं इतना अच्छा करा पाती. तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, व्हेन यू स्टार्ट टू लाफ इट डजंट जस्ट डिसेबल योर हीट योर लोड मेंटली, इट एक्चुअली इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस इन योर बॉडी. जैसे हमने बताया कि एंडोर्फिन का सेक्रेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी ऑर्गन, एक्टिवेटेड रिलीव योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स. सो दैट टेंशन कुछ देर के लिए जब हम हंसते हैं फ्री फील करते हैं और कुछ देर के टेंशन गायब हो जाता है. ब्लेमिंग अदर्स मेक स्ट्रेस वर्स. दूसरों पर अगर आप ब्लेम करते रहेंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो हम स्ट्रेस से नहीं निकल पाएंगे. तो वही है, सेल्फ टॉक जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट जरूरी है. और अगर तो मेरे बिहेवियर में कहीं कुछ है तो सेल्फ एनालिसिस करके बिहेवियर को मॉडिफाई.